हेलमेट पहन के क्यों घूम रहे हैं आप कार में? कहीं चला ना कट जाए। हेलमेट भी पहने हुए, सीट बेल्ट भी पहने हुए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। हाँ। इसलिए अपने तरफ से सेट पिल लेके चल रहे हैं कि हम लोग का चलान ना कटे। खौफ के कारण, डर के कारण। खौफ, इसको खौफ के कारण। जी हाँ, इसको खौफ कहते हैं। अभी कसम खा लिए क्या? जी हम भी ये साथ में बैठेंगे तो हेलमेट तो जरूर लगा के रखेंगे, भाई चलान कट जाएगा तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। पूरा टोटली फेल है, 0% टोटली फेल है ये। पूरा फेल है, पूरा फेल है। आखिर इतना गुस्सा क्यों? अगर ये फेल नहीं होता तो सर आप खुद ही बताइए, एक कार वाले का चालान कैसे कट जाता है, वो भी हेलमेट का चालान। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला प्रशासन के तरफ से, पटना ट्रैफिक पुलिस के तरफ से सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए। ये सीसीटीवी कैमरा आपके चालान को काट देते हैं, अब आपको पटना ट्रैफिक पुलिस रोकती नहीं है। और देखिए, उसी का खौफ कुछ लोगों में देखने को मिल रहा है। कार में घूम रहे हैं मगर उसके बावजूद हेलमेट पहन के घूम रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आकाश कुमार हुआ। हेलमेट पहन के क्यों घूम रहे हैं आप कार में? कहीं चालान ना कट जाए। गाड़ी के अंदर चालान कैसा? बिल्कुल, कभी अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, उनकी गाड़ी 10 दिनों से घर पे खड़ी थी, ठीक है, और गाड़ी पे बहुत सारे मतलब जो धूल वूल जो होते हैं ना वो जमे हुए थे, ठीक है, और उनका चालान कट गया। अच्छा, तो बस उसी को देखते हुए मेरे अंदर भी एक डर आ गया कि मैं भी गाड़ी से चलता हूँ, स्कूटी बाइक से तो मैं चलता नहीं हूँ, कहीं मेरे ऊपर भी चलान ना आ जाए, इसलिए मैं खौफ के कारण, डर के कारण। खौफ, इसको खौफ के कारण। जी हाँ, इसको खौफ कहते हैं। तो खौफ से लगता है कि ट्रैफिक व्यवस्था इस तरीके से पटना में जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा सुधर जाएगा? जी नहीं, नहीं सुधरेगा, सुधारना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अपने तरफ से तो सेफ्टी लेके चल रहे हैं ना, कि कहीं हम लोग हेलमेट भी पहने हुए, सीट बेल्ट भी पहने हुए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसलिए अपने तरफ से सेफ्टी लेके चल रहे हैं कि हम लोग का चालान ना कटे। आप भी हेलमेट, मतलब दोनों जो साथ में राइडर भी रहते हैं उनको भी आप हेलमेट पहना देते हैं? जी बिल्कुल, ये मेरे बड़े भैया हैं। अच्छा, मैंने इनको ही बोला कि आप मेरे साथ में अगर बैठे हैं तो हम लोग तो पूरा रूल फॉलो किए, क्योंकि मैंने सीट बेल्ट भी लगा, सीट बेल्ट भी है, सब चीज है, सेफ्टी है। कल हम लोग मुजफ्फरपुर भी गए हैं भाई, हेलमेट लगा के ही गए हैं, सीट बेल्ट लगा के गए, उधर से आए भी हैं तो सीट बेल्ट हेलमेट लगा के ही आए। कोई देखता है तो बोलता नहीं है कि आखिर ये क्या कर रहे हैं? लोग देखते हैं और पूछते हैं तो सर ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि बस अपना रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा हूँ और हेलमेट लगा के चल रहा हूँ, कहीं मेरी चालान ना कट जाए, बस यही मैं कहता हूँ। अच्छा, कोई पुलिस वाला अभी तक देखा है कि नहीं ऐसे इस तरीके से? देखा है, देख के बोलता है ठीक है, बस हम मुस्कुरा के चल देता है और कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। क्या और भी लोगों को पहन के इसी तरीके से घूमना चाहिए? चलना चाहिए। अभी जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है, सिस्टम जो इन्होंने बनाया है परिवहन विभाग ने, 0% पूरा टोटली फेल है, 0% टोटली फेल है, पूरा फेल है, पूरा फेल है। आखिर इतना गुस्सा क्यों? अगर ये फेल नहीं होता तो सर आप खुद ही बताइए, एक कार वाले का चालान कैसे कट जाता है, वो भी हेलमेट का चालान, उसको फेल ही कहेंगे ना, ये पूरा फेलियर है। कार वाले का चालान कट गया हेलमेट का? जी बिल्कुल, अभी इसी डर से लोग हेलमेट लगा के घूम रहे हैं। इसी डर से मैं लगा घूम रहा हूँ। अभी उतरेगा ये हेलमेट के नहीं उतरेगा अगर गाड़ी में आप घूम रहे हैं तो? नहीं नहीं, कभी नहीं उतरेगा, कभी नहीं। कसम खा ली जी, कसम खा लिया मैंने, जब तक ये सिस्टम नहीं सुधर जाए तब तक मैं हेलमेट पहन के चलूंगा, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। अभी कसम खा लिए क्या? जी हम भी ये साथ में बैठेंगे तो हेलमेट तो जरूर लगा के रखेंगे, भाई चालान कट जाएगा तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए, इन दोनों ने कसम अब खा लिया है, कार वालों का हेलमेट का चालान पटना में कट रहा है उसको लेकर अब ये दोनों लोग, देखिए फिर से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कार में घूमते हैं मगर हेलमेट लगाकर घूमते हैं। ये डर, ये खौफ आखिर पटना के लोगों में दिखने लगा है और इसी कार से ये लोग घूमते रहते हैं और अपने माथे पर हेलमेट लगाकर कार में ही घूमते हैं। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से इन लोगों का खौफ है, क्या पटना की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरती है? बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।